हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी क्लास चैनल में। जैसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक नया अपडेट निकल कर आ रही है कि जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, दुमका देवघर कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला। यहाँ दोस्तों, ये न्यूज़ जो कल ही आई हुई है, और यहाँ पर जो दुमका और देवघर जो कॉलेज है वहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, और झारखंड सरकार इसके आयोजन कर रही है, और झारखंड के अंतर्गत जो भी पास आउट छात्र हैं वो सब इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप भाग ले सकते हैं, ये मेला कब लगेगा, आपको कहाँ जाना है, उसकी सैलरी क्या होगी। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता रहा हूँ, हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए दिखा रहा है, प्लेसमेंट के लिए आएंगी 20 निजी कंपनियाँ, 8 को SP कॉलेज में लगेगा रोजगार मेला। चलिए अब दिखाते हैं आपको, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, यानी जो आप ग्रेजुएट हैं तो अगर आप प्राप्त किए हुए हैं तो छात्र छात्राओं के लिए दुमका एवं देवघर में रोजगार मेला लगाया जाएगा, इन दोनों में, दुमका और देवघर में। कुलपति प्रोफेसर मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि दुमका जिले के संथाल परगना कॉलेज में रोजगार मेला का लगाया जा रहा है, और 9 अक्टूबर को देवघर कॉलेज में रोजगार मेला का आयोजन होगा, और उसके बाद साहेबगंज कॉलेज में रोजगार मेला लगाकर बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। देखिए दिखा रहा है, दुमका देवघर में लगेगा, 8 को दुमका में और 9 को देवघर में, और उसके बाद बता रहा है कि साहेबगंज में भी ये लगेगा। तो बताया क्या है कि साहेबगंज कॉलेज में आयोजित होने वाले रोजगार मेला की तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है, यानी इसके जब डेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगा। कुलपति ने कहा कि रोजगार मेला में 20 निजी कंपनियां आ रही हैं। रोजगार मेला में वर्ष 16, 17 एवं 18 में सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को ही रोजगार में मेला में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाएगा। देखिए दिखा रहा है, 119 छात्रों को पहले मिल चुकी है नौकरी। कुलपति ने बताया कि पिछली बार सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में रोजगार मेला लगाया गया था जिसमें 119 छात्रों को नौकरी मिली थी, इस वर्ष उससे भी ज़्यादा छात्रों को नौकरी मिलेगी। और कुलपति ने दावा किया कि रोजगार मेला में आने वाली कंपनियां लगभग, देखिए मैं बता रहा हूँ सैलरी का, कि लगभग 20,000 या उससे ज़्यादा वेतन देकर कर्मचारी बनाएगी, यानी जो भी कंपनी आएगी आपको कम से कम 20,000 या उससे ज़्यादा देगी। इसलिए दोस्तों आप लोग जरूर जाएँ, क्योंकि यहाँ सैलरी का जो पैकेज बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको, और रोजगार मेला में साक्षात्कार के लिए शामिल होने के लिए छात्र छात्राएं ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीयन करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीयन शुक्रवार को शुरू हो गया है, जबकि ऑफलाइन पंजीयन की सुविधा रोजगार मेला के दिन कॉलेज में उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं घर बैठे तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये आपका चांसलर पोर्टल है, यहाँ पर आइएगा। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आ सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ देख रही हैं 4 नंबर पे प्लेसमेंट ड्राइव ट्रेनिंग में आपको आना है, हायर एजुकेशन में, यहाँ क्लिक कीजिएगा आप तो आपको एक फॉर्म खुलेगा, इसको आपको भर के साइनअप करना है, ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। और इतना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ पर लगे मेला दुमका या देवघर कॉलेज में या साहेबगंज कॉलेज में, वहाँ जाके आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। चलिए आप दिखा रहे हैं इसका फुल डिटेल, देखिए ये दिखा रहा है आपको फुल डिटेल, आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। देखिए आपको इंतजार कर रही है नौकरी, देखिए यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं के लिए प्लेसमेंट ड्राइव। देखिए झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय से वर्ष 16, 17 और 18 में BA, BSc, BCom, BBA, MA, MSc, MCom, MBA, MBC, MC में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। देखिए अब दिखा रहा हूँ, पहला जो है संथाल परगना यानी SP कॉलेज जो दुमका है वहाँ लगेगा 8 अक्टूबर को यानी सोमवार के दिन, ये सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे लगेगा। ये देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है यहाँ पर दिया गया है, वरना आप डायरेक्ट जो मैंने बताया वहाँ से भी जा सकते हैं आप। और आपको देखिए देवघर कॉलेज में लगेगा 9 अक्टूबर को, वो भी सेम टाइम है 10 से 4 बजे तक, यहाँ पर लिंक दिया गया है, रजिस्ट्रेशन का आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ जाकर ऑफलाइन भी आप कर सकते हैं। देखिए आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि अपडेट जो आपको रिज्यूम है वो 5 कॉपी लेके जाना है आपको, और सभी अंक पत्र की प्रति लेके जाना है आपको, जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है, और 3 जो है पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है आपको, और आप जाके डायरेक्ट प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं और आसानी से आप नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए, दोस्तों को इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्लेसमेंट में पहुँच सके और आसानी से नौकरी पा सके। दोस्तों इस तरह की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।